चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे। अब तक हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सोडिसन नंबर से रिलेटेड और ऑक्सो एसिड से रिलेटेड 6 लेक्चर्स देख लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7। आज हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नीज और बोरॉन का ऑक्सो एसिड, इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और हम लोग सीखेंगे एसिड एनहाइड्राइड, किसी एसिड का एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाए और हमें कैसे उसका नाम देना होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में क्या सीखा था हम लोगों ने, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था क्रोमियम का ऑक्सो एसिड, बोरॉन का ऑक्सो एसिड और साथ में क्या सीखा था, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड, और हम लोगों ने इनसे रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ सीखा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सो एसिड ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का ऑक्सो एसिड। जो पुराने लेक्चर्स हुए हैं उनको रिविजन में रखोगे तभी इनऑर्गेनिक हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैग्नीज का ऑक्सो एसिड कैसे बनाते हैं, मैग्नीज के ऑक्सो एसिड बिल्कुल वैसे बनाते हैं जैसे हम लोगों ने एक बनाया था क्लोरीन का ऑक्सो एसिड, याद करो एक वहां पे मिला था HClO4। ठीक, ऐसे इसका एक ऑक्सो एसिड होता है जिसको बोलते हैं HMnO4। वहां पे HClO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, ClOH मतलब OHCl लगा दिया था और उसके बाद डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसे यहां पे OH मैग्नीज डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो, ये हो गया HMnO4 का स्ट्रक्चर। कोई पूछे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, इधर कहीं परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है क्या, नहीं, तो अगर हम लोग चाहें तो फॉर्मूले से निकाल लें, 1 हाइड्रोजन का मैग्नीज का x और ऑक्सीजन का 4 × −2 = 0, तो x आ जाएगा +7 और ये मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। एक्चुअली में जैसे क्रोमियम का ग्रुप नंबर हम लोगों ने सीखा था कितना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, हम लोगों ने ग्रुप नंबर क्या बोल दिया था 4 और 2 6 6B, ये रोमन वाला हमें ध्यान रखना है, इसकी जरूरत पड़ती है अपने को। ऐसे मैग्नीज के लिए क्या होता है, क्रोमियम के लिए 24, मैग्नीज के लिए होता है 25, इसका ग्रुप नंबर आ जाता है 5 और 2 7 7B, इसीलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7, किसका, मैग्नीज का। इसको क्या बोलते थे याद है, हम लोग इसको बोल देते थे HClO3 को क्लोरिक एसिड, इसको HClO4 को पर क्लोरिक एसिड, ऐसे हम लोग यहाँ पे HMnO4 को क्या बोलेंगे, पर मैंगनीक एसिड, पर मैंगनीक एसिड HMnO4। ठीक, अगर हमारे पास पर मैंगनीक एसिड पता चल गया, HMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, HMnO4 इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ अक्सर ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस में मिलता ही रहेगा, HMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट, इनका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना चाहिए हमें, OH डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो और ये, इसकी बेसिसिटी कोई पूछेगा तो बोलेंगे 1, ये हो गया पर मैंगनीक एसिड। एक होता है बिल्कुल मैग्नीज का और दो ऑक्सो एसिड होते हैं, जैसे हम लोगों ने क्रोमियम के देखे थे दो, क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड, ऐसे मैग्नीज के होते हैं पर मैंगनीक एसिड और एक होता है बिल्कुल वैसे जैसे जैसे तुमने देखा था क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड कैसे था H2CrO4, जैसे तुमने देखा था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऐसे ही एक होता है मैंगनीक एसिड H2MnO4, क्या होता है H2MnO4, स्ट्रक्चर कैसे होता है बिल्कुल वैसे जैसे तुमने क्रोमिक एसिड बनाया था जैसे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, वैसे ही हमारे पास होता है ये क्या मैंगनीक एसिड, कैसे बनता है Mn डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH और OH। अगर यहाँ पे देखोगे कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज है क्या, नहीं, अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो इस स्ट्रक्चर से तो क्या हो जाएगा −2 + 2 − 1 + 1 − 2 + 2 और −1 + 1, कितना हो जाएगा +6 आ जाएगा। देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है क्या मैग्नीज का, नहीं, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का नहीं है, मैग्नीज का मैक्सिमम कितना है +7, इसका नाम होता है मैंगनीक एसिड, मैंगनीक एसिड। ठीक, तो मैग्नीज के दो ऑक्सो एसिड हैं हमारे पास, वो हमें ध्यान रखना चाहिए, HMnO4 पर मैंगनीक एसिड एंड H2MnO4 मैंगनीक एसिड, तो ऑक्सो एसिड में मैग्नीज के ये ऑक्सो एसिड हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक जितने भी ऑक्सो एसिड में से क्वेश्चन आए होंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूरी गारंटी है किसी भी ऑक्सो एसिड के ऊपर नहीं पूछा गया होगा, किसके ऊपर, ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन, ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन पढ़ने के लिए तो हम लोग एक ही ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं H3BO3, बोरॉन के ग्रुप को हम लोगों ने याद किया था बैगन आलू गाजर इन थैला।
बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरॉन का जो ग्रुप नंबर होता है वो थर्ड ए। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3। और हम लोगों ने याद भी किया है, बोरॉन एंड एल्युमिनियम ऑलवेज होज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3। बोरॉन एंड एल्युमिनियम ऑलवेज होज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3। तो यहाँ पे होता है हमारे पास H3BO3। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे BOH OH और OH। जो किसी का ग्रुप नंबर होता है ना, वो होते हैं उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे बोरॉन का ग्रुप नंबर होता है 3, इसका मतलब है कि बोरॉन के लास्ट में, मतलब जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 और बोरॉन 5। तो बोरॉन का तो एटॉमिक नंबर हो गया 5, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2.3। तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके लास्ट में हैं, लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वही 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए उसने, उस बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3। 3 बॉन्ड बनाने से उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? हमेशा बॉन्ड की शेयरिंग होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा कोई तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाएगा। तो अगर बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 6। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। 6 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? ध्यान से देखो, 6 इलेक्ट्रॉन मिलने से तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अभी कितने हैं? 6। इसका मतलब यह है कि बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन साथ में इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। किसके पास? बोरिक एसिड के पास। अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो हम बोलेंगे जो ये H3BO3 है, ऐसे कोई पूछे इसकी बेसिसिटी बताओ, H3BO3 की बेसिसिटी, तो हमें लग रहा होगा इसके पास तो 3 OH है तो इसकी बेसिसिटी हो जानी चाहिए 3, ऐसा हमें लगता होगा। लेकिन इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये उस टाइप का एसिड नहीं होता जो ये कुछ दे, ये ऐसा एसिड है जो खुद ही बेचारा परेशान है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। और याद करो, मैंने कई बार बोला है, बोरॉन, ये बोरॉन फैमिली से जो भी कुछ बनाते हैं ना, ये बेचारा फैमिली वाले हैं, इनका पेट ही नहीं भरा रहता, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? अगर कभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको बोल देते हैं एक पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हो तो उनको बोल देते हैं 1 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब भी कभी इसको, इससे पूछो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब लोन पेयर चाहिए, मतलब ये क्या करना चाहता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है अपने पास। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा तो ऐसे लोग जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन्हीं को तो बोल देते हैं लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। जो भी लोग लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, उन्हीं को बोल देते हैं लुईस एसिड। जो भी लोग लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको एक अलग तरीके का एसिड बोलते हैं। वो एसिड नहीं जो हमें H प्लस देते थे, वो H2SO4 जैसे है, वो हमें H प्लस देता है, कितना? 2। तो उसकी बेसिसिटी हो गई थी 2। लेकिन ये ऐसा एसिड है ना, है तो ये एसिड लेकिन ये हमें H प्लस खुद नहीं देता, ये क्या करता है, ये दूसरे से बोलता है हमें लोन पेयर दे जाओ, हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे जाओ। तो जब ये लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा तो लोन पेयर एक्सेप्टर, उन्हीं को बोल देते हैं लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड, याद रहेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर LA, लोन पेयर एक्सेप्टर LA, लुईस एसिड LA, लोकस एकड में भी हो सकता है लेकिन हमें ध्यान रखना है लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। तो जो ये H3BO3 है इसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा कोई पूछता तो, कहीं कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो बोरॉन O पे माइनस, B पे प्लस, O पे माइनस, B पे प्लस, O पे माइनस, B पे प्लस, B पे कितना आ जाएगा? +3। ऐसे भी हम लोगों ने याद कर रखा है बोरॉन पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। बोरॉन ऑलवेज होज +3। तो ये तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है जो उसके ग्रुप नंबर के बराबर है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग, जैसे कार्बोनिक एसिड देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड देखा था, ऐसे इसको बोल देते हैं क्या? बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। और जो बोरिक एसिड है वो कैसा है? वो नॉर्मल एसिड नहीं है, ये ध्यान रखें, ये नॉर्मल एसिड नहीं है, ये क्या है? लुईस एसिड। बोरिक एसिड एक लुईस एसिड है। अब कोई पूछे इनकी बेसिसिटी बताओ ना, तो इनकी बेसिसिटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इनके पास OH कितना है,
जो भी लुईस एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उनके पास OH कितना है, उनकी बेसिसिटी डिपेंड करता है कि वो लुईस एसिड है ना। ये तो लुईस एसिड किसकी वजह से है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से। तो लोन पेयर जितना एक्सेप्ट करना चाहेंगे उस हिसाब से बनेगा इनका बेसिसिटी। तो लोन पेयर कितना एक्सेप्ट करना चाहता है, ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी एक। लुईस एसिड की बेसिसिटी कैसे देखते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी से। अगर वो एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगा वन, इसकी बेसिसिटी होता है वन। बेसिसिटी वन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, मोनो बेसिक लुईस एसिड। ठीक, तो याद रखो बोरिक एसिड जो है वो मोनो बेसिक लुईस एसिड है। कैसा है, मोनो बेसिक। मोनो बेसिक क्यों, क्योंकि उसके पास तीनों एच है। नहीं, मोनोबेसिक इस वजह से क्योंकि वो लोन पे रिसेप्ट करना चाहता है, लोन पे रिसेप्टर्स आर लुईस एसिड। तो ये कैसा है, एक लोन पे रिसेप्ट करना चाहता है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक लुईस एसिड। कौन ये है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है हमारे पास वो है मोनोबेसिक लुईस एसिड। ठीक, अच्छा कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जब इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो जो ये बोरिक एसिड है वो एग्जिस्ट कैसे करता है। अगर इसका पेट ही नहीं भरा है, जो हमारे पास बोरिक एसिड है, अगर इसका पेट ही नहीं भरा तो ये एग्जिस्ट कैसे कर जाता है। तो एग्जिस्ट करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। हमारे पास ये रहा बोरिक एसिड, एक बोरॉन के पास तीन तीन OH, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। ये तो OH तुम पास में भी दिखा सकते, फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पास है एक वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये एग्जिस्ट क्यों किया वो देखना, इसके पास तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे तो इसके पास जो इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद जो बॉन्ड बने उसकी वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6। तो इसके पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो नॉर्मली वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एग्जिस्ट कैसे कर जाते हैं, हमें क्वेश्चन होगा कि ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो हम बोलते हैं देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ, तो ये क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को ऐसे रखा है कि जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर सके। पड़ोसी को ऐसे रखा है, हाँ, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद करो, हम लोगों ने याद किया था ओम शांति से तेरी पहचान, एस फॉर सल्फर, एस फॉर 6, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 6A। जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है उनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन, और वही होता है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर के लास्ट में कितने होते हैं, 6, ऐसे ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 6, क्या इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो बोलेंगे ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, 6 में से यूज कितना कर लिया उसने, एक इधर बॉन्ड में यूज कर लिया, एक इधर बॉन्ड में यूज कर लिया, दो यूज कर लिए तो बचे कितने, अगर दो यूज कर लिए तो बचे कितने, सोचो 4 बच गए उसके पास, 4 बच गए तो पेयर में कितना बचेगा, 2। तो इसके पास बोलेंगे कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, इसके पास कितने लोन पेयर, बोलेंगे 2 लोन पेयर, एक वहां पे, एक उसके पास 6 होते थे, 2 तो चले गए बॉन्ड में क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयर में कितने हो गए, 2 पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, तो इसके पास कितने पेयर हो गए, 2। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होगा, सोचो ये है भिखारी, ये है बेचारा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और पास में कुछ लोग हैं जिनके पास लोन पेयर है, इसीलिए तो ये एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, इनको तो लोन पेयर चाहिए और इन्हीं के घर में ही कुछ लोग हैं जिनके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इनसे मांग लेगा, मतलब जो बोरॉन होगा ना वो ऑक्सीजन से लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, और ऑक्सीजन अगर लोन पेयर उसको दे देगा तो ये खुश हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से जो ये बोरिक एसिड है वो एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास कैसे लोग लगे हैं, इनके पास ही ऐसे लोग लगे हैं जिनके पास लोन पेयर है। अच्छा, यही ऑक्सीजन लोन पेयर देगा क्या, नहीं, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, सब लोग टाइम टाइम पे दे सकते हैं लोन पेयर। इसको कितना लोन पेयर चाहिए, 1, किससे लेगा, किसी से भी ले सकता है। इसी वजह से बोरिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास में जो ऑक्सीजन है उनके पास है लोन पेयर, और वो लोन पेयर दे देगा बोरॉन को, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और जो बोरिक एसिड है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते थे, ये तो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते थे। अब कुछ लोग बोलेंगे जब घर ही में लोग लोन पेयर देने वाले हैं तो बाहर से क्यों लोन पेयर लेना चाहेगा भाई, ये भी तो डाउट आ रहा होगा ना, कि अभी तो आपने बोला था कि ये तो बाहर से लोन पेयर लेना चाहता है, अगर लोग अंदर ही जो ऑक्सीजन है वही इसको लोन पेयर देंगे तो बाहर से कौन आएगा, क्यों ये चाहेगा कि बाहर से कोई इसको लोन पेयर दे दे। तो उसका आंसर होगा कि जो ऑक्सीजन है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे लोन पेयर दे तो रहा होगा, लेकिन जैसे लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे ध्यान दो, ये इधर से लोन पेयर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बोरॉन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस,
और ऑक्सीजन पे अगर प्लस आ गया, याद करो एफ ओ एन, ये लोग कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उसके ऊपर प्लस आ जाए तो वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्यों? सोचो, अगर वो पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अगर प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगा उसका, तो फिर जब प्लस आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगा, फिर से वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही देगा ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा तो खींच लेगा। इसी वजह से जो बोरॉन है ना, उसको इलेक्ट्रॉन मिल तो रहा होगा लेकिन अच्छे से नहीं मिल रहा होगा, ये खुश नहीं होगा बेचारा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे तुमने 2 रुपये दिए किसी को और तुरंत ले लिए, फिर वो चिल्लाने लगा, फिर तुमने दे दिया, फिर उससे तुमने ले लिया, ऐसे वाली कंडीशन है। तो वो क्या चाहेगा, चलो रख लो तुम अपना 2 रुपये, कोई और हमें ला करके 2 रुपये दे दें। ऐसे ये बोरॉन, इसको लोन पेयर मिल रहा है, अगर कोई और नहीं आ रहा होगा तो इन्हीं सब लोगों से चिल्ला रहा होगा, भाई मुझे दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वो लोग देते होंगे तुरंत खींच लेते होंगे, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर से अपने पास इलेक्ट्रॉन ले आते होंगे। इसी वजह से ये बोरॉन सोच रहा होगा, कोई अगर बाहर से आए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम इन तीनों को क्या बोलेंगे, रख लो अपना इलेक्ट्रॉन, हमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हम बाहर से ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई बाहर से आए लोन पेयर देने के लिए, तो इसी वजह से ये लोन पे रिसेप्ट करना चाहता है। कितना लोन पे रिसेप्ट करना चाहता है, 1, इसलिए इसके बेसिस कितना, 1। और कोई पूछे ये अच्छा लुईस एसिड है या बेकार लुईस एसिड, तो वो किस बात से डिपेंड करेगा, हम बोलेंगे देखो ये जो बोरॉन है उसके पास लोन पेयर तो ये एक्सेप्ट करना चाहता है, ये लुईस एसिड तो है, लेकिन अच्छा लुईस एसिड है या बेकार लुईस एसिड है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो बोरॉन है ना वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करना चाहता है। तो बोलेंगे जो बोरॉन है वो लोन पेयर तो लेना चाहता है लेकिन घर में ही लोन पेयर देने वाले हैं, इस वजह से बहुत अच्छे से लोन पेयर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं जो बोरिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड। लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अगर सोचो घर में कोई लोन पेयर देने वाला होता ही ना, तो फिर ये बहुत अच्छे से चाहता कि बाहर से कोई लोन पे लेकर आके दे जाए। लेकिन अगर कोई बाहर से लोन पे नहीं लाकर दे रहा होगा तो ये अंदर से लोन पे ले लेगा, तो ये लोन पे एक्सेप्टर तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, इसलिए ये वीक एसिड है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या याद रखें H3BO3 के लिए, H3BO3 के लिए ये जो मैं लास्ट में लाइन नोट कर रहा हूँ वो याद ध्यान रखते हैं, क्या, बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड। बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड। कौन, जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक क्यों है, क्योंकि उसकी बेसिसिटी 1 है, वो एक ही लोन पे लेना चाहता है, एक ही लोन पे एक्सेप्ट करना चाहता है। वीक क्यों है, क्योंकि उसके घर में ही लोन पेयर देने वाले हैं तो बाहर से लोन पेयर अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर की बात चल रही है इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड की बेसिसिटी। अक्सर हम लोग एग्जाम में बोल देते हैं कि बोरिक एसिड की बेसिसिटी है 3, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितना है, बोरिक एसिड की बेसिसिटी है 1। बोरिक एसिड मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड है। अच्छा, तो ये हो गया बोरिक एसिड के बारे में। अब एक चीज ध्यान दे दो, जो बोरिक एसिड होते हैं ना, जो नॉर्मल एसिड होता है वो क्या करता है, अगर जैसे कोई पूछे HNO3 क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ये तो अच्छा एसिड है, याद करो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट में आता है। तो जब हम कोई अच्छे एसिड को पानी में डालते हैं ना, तो ये अपना H+ दे देते हैं, ये अपने घर का H+ रिलीज करता है। मतलब जो भी ऐसे एसिड होते हैं ना, वो सेल्फ आयनाइज होने का मतलब खुद अपना आयन देते हैं, अपने में से H+ निकाल करके दे रहा है। कौन, जो नॉर्मल एसिड होते हैं, जो H+ अपने से रिलीज करते हैं, ठीक, इन्हीं को लोग बोल देते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। लेकिन जो लुईस एसिड होते हैं वो सेल्फ आयनाइज नहीं होते, इसी वजह से लुईस एसिड को हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है। जो भी लुईस एसिड होता है वो सेल्फ आयनाइज नहीं होता, सेल्फ आयनाइज नहीं होता तो क्या करता है, जैसे ये H3BO3 है, BOH3, इसके पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, तुम चाहो इसको ऐसे लिखो H3BO3, याद करो इसके पास 3 OH थे, एक ऊपर एक इधर, तो हम लोग इसी को दिखा सकते हैं BOH3। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये सेल्फ आयनाइज ना होकर के ये खुद आयनाइज नहीं होते। जो लुईस एसिड होते हैं वो खुद आयनाइज नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। उल्टा ये क्या करते हैं, पानी को आयनाइज कर देते हैं, पानी का H+ पानी का OH-। सोचो इनके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है, इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब माइनस चार्ज चाहिए, तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जहां पे हैं OH को अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है, बना लेता है BOH4, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो आ जाता है उसके पास माइनस, और H+ दे देता है। H+ देता तो है, लेकिन किसका H+ दे रहा है, ये
ये जो बोरिक एसिड है वो H प्लस रिलीज तो कर रहा है, लेकिन किसका H प्लस रिलीज कर रहा है? वाटर का। तो जो लुईस एसिड होता है वो खुद आयनाइज नहीं होते, सेल्फ आयनाइजेशन नहीं हुआ इसका। इसने क्या किया, वाटर को आयनाइज कर दिया, वाटर से H प्लस रिलीज कर दिया और वाटर से OH खुद ले लिया। OH ही क्यों लिया, क्योंकि OH के पास इलेक्ट्रॉन होगा, O पे माइनस है तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को खुद खा लेता है, इलेक्ट्रॉन लिया इसकी वजह से इसके पास माइनस आ गया और H प्लस रिलीज कर देता है। तो ध्यान से नोट कर लो कि जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड है और जो बोरिक एसिड है उसकी बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक है। किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन? नहीं, सेल्फ आयनाइजेशन नहीं, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बोरिक एसिड डज नॉट अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन, याद रख लो। कोई भी लुईस एसिड होगा कभी भी सेल्फ आयनाइज नहीं होगा, लुईस एसिड कभी भी सेल्फ आयनाइज नहीं होते, वो उल्टा वाटर को आयनाइज करा देते हैं। ठीक, तो हमारे पास जितने भी ऑक्सो एसिड हमें सीखने थे, हमने लगभग सारे ऑक्सो एसिड सीख लिए और सबको हमें अच्छे से ध्यान रख। चलो, तो हम लोग ऑक्सो एसिड जितना सीख चुके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जो भी एसिड हम लोगों ने बनाए उनके एनहाइड्राइड कैसे बनाए, एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एसिड हो, खास करके ऑक्सो एसिड, अगर हमारे पास कोई ऑक्सो एसिड हो और हम वहां से वाटर निकालते चले जाएं, इतना वाटर निकाल दो कि उसमें कोई हाइड्रोजन बचे ही ना, हमें निकालना है वाटर। और ध्यान रखना है कि एसिड में H नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो जो बनेगा उस एसिड का, जो भी फॉर्म बन करके आएगा उसी को बोल देंगे उस एसिड का एनहाइड्राइड। ठीक, जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब अगर हमसे कोई बोले कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो एसिड हो गया, इसका एनहाइड्राइड बताओ, तो हम बोलेंगे यहां से वाटर निकालना शुरू कर दो। चलो H2 है, H2 कम कर दोगे तो H तो बचेगा नहीं, S सल्फर बचेगा, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 3, तो हमें मिल जाएगा SO3। तो SO3 में कहीं H है क्या, नहीं, तो ये हो गया एनहाइड्राइड, किसका, H2SO4 का। ठीक, तो हम SO3 को बोल सकते हैं, SO3 को, कि ये एनहाइड्राइड है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसीलिए इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। कोई भी एसिड हो उसका एनहाइड्राइड अगर हमें बनाना हो, एनहाइड्राइड, तो हम कैसे बनाएं, सिंपल सा काम होगा कि उस एसिड में से वाटर निकालते चले जाओ, तब तक वाटर निकालो जब तक वहां पे एच है। अगर सारे एच खत्म हो गए वाटर निकालते निकालते, तो जो अल्टीमेटली मिलेगा वो हो जाएगा उस एसिड का एनहाइड्राइड। तो क्या SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, बोलेंगे हाँ। ठीक, और जो एनहाइड्राइड होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड, ध्यान रखना, जो भी एनहाइड्राइड होते हैं वो होते हैं नॉर्मली ऑक्साइड। तो इसको लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्या, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं और साथ में बोल सकते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3। पहले तो ये फोकस करो एसिड एनहाइड्राइड, किसी एसिड का एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाए। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड हो H2SO3, हमसे कोई पूछे इसका एनहाइड्राइड बताओ, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से वाटर निकाल देंगे, वाटर निकालने के बाद जो बनेगा वो हो जाएगा H2SO3 का नाम क्या था, सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड का वो एनहाइड्राइड हो जाएगा। वाटर निकालो यहाँ से, क्या बचेगा, SO2, सल्फर और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो बचेगा 2, हो जाएगा SO2। SO2 सुना तो जरूर होगा, जैसे CO2 सुना है, ऐसे SO2 बोलने के लिए लोग इसको बोल देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड तो कॉमन है, सब लोग जानता है, तो तुम्हारे में क्या डिफरेंस होगा और लोगों से, क्योंकि तुम जानते होगे कि ये एनहाइड्राइड है, किसका, सल्फ्यूरस एसिड का। तो हम लोग बोल सकते हैं SO2 को सल्फ्यूरस, क्या बोल सकते हैं, सल्फ्यूरस क्या, एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। साथ में तुम ये भी बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। किसी एसिड का एनहाइड्राइड बनाते समय हमें ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, वाटर निकालो तब तक जब तक वहाँ से सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं, और उसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा उस एसिड का एनहाइड्राइड। नाम कैसे बोलेंगे, उस एसिड का नाम बोल दो और लास्ट में एसिड के जगह पे क्या लगा दो, एनहाइड्राइड। अच्छा, तो तुम्हें अपने मन से सारे एसिड के एनहाइड्राइड बनाने हैं क्या, कुछ लोगों को मन कर रहा होगा लाओ H2SO5 का एनहाइड्राइड बना दे, नहीं, जहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज होता है वो एसिड बहुत अनस्टेबल होते हैं तो उनका एनहाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक, वो खुद ही अनस्टेबल होते हैं तो उनके एनहाइड्राइड नहीं बनाना, जो मैं बोलूँ उन्हीं का एनहाइड्राइड बनाते चलो। जैसे हमसे कोई पूछे, मैं इधर एसिड लिख रहा हूँ, उनके एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश करो। अगर कोई हमसे बोले HNO2 का एनहाइड्राइड बनाओ, नाइट्रस एसिड का,
कैसे बनेगा नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड? हम बोलेंगे यहाँ पे तो एक ही एच है भगवान ने दिया है इधर, मतलब यहाँ पे तो एक ही एच है ना HNO2, तो हम यहाँ वाटर कैसे निकालें? सोचो, हमें तो वाटर निकालना होगा तभी जा करके हम उस एसिड का एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे वाटर निकालें? हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो एक एच है ना, फॉर्मूले को डबल कर लो, चलो डबल हो जाओ H2N2O4, अब तो वाटर निकल सकता है। हाँ, तो अब वाटर निकाल दो। अब वाटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, H2 खत्म हो जाएगा, बचेगा N2O4 में से एक O कम कर दो तो O3 हो जाएगा, क्या मिलेगा N2O3। इसी N2O3 को अब हम बोल देंगे, अब यहाँ पे H है क्या? नहीं, तो ये हो गया एनहाइड्राइड, किसका? HNO2 का, ये बन गया एनहाइड्राइड N2O3। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रस, ये क्या था? नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, ठीक। ये हो गया HNO2, जिसको बोल देंगे हम लोग, ये तो नाइट्रस एसिड था, उसका एनहाइड्राइड कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? N2O3, नाइट्रस एनहाइड्राइड। लास्ट टाइम अपने पास एम्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, हमसे पूछ रहा था, बताओ क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था इसका एनहाइड्राइड बता दो, नाइट्रस एसिड के बड़े भाई का, जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 का हमसे पूछ रहा था बताओ एनहाइड्राइड कैसे बनाए। एनहाइड्राइड सिंपल, उस एसिड को दो बार लिख लो, यहाँ पे तो अगर H होता, अगर एक और H होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट वाटर निकाल लेते, H खत्म हो जाता। एक ही H है तो हम उसको डबल कर लेंगे फॉर्मूले को, H2N2O6 हो जाएगा। अब यहाँ से वाटर निकल सकता है, हाँ निकाल दो वाटर, क्या मिल जाएगा हमारे पास? N2O6 में से एक O कम हो जाएगा तो क्या बचेगा? O5, तो हमें क्या मिल जाएगा? N2O5। अब हम इस N2O5 को क्या बोल देंगे? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, तो N2O5 को क्या बोलेंगे? अगर ये नाइट्रिक एसिड है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, समझ में आया? अगर हमें किसी एसिड का स्ट्रक्चर पता हो, मतलब फॉर्मूला पता हो, उसका एनहाइड्राइड बनाना हो, तो हमें वाटर निकालते जाना है। तब तक वाटर निकालते जाओ जब तक हम लोग उसमें से सारे हाइड्रोजन खत्म ना कर दें, और उसके बाद जो मिलेगा वो हो जाएगा उसका एनहाइड्राइड। तो N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? HNO3 का। इसको तुम ऑक्साइड में भी बोल सकते, क्या? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ 5 ऑक्सीजन है। चलो, तो नाइट्रस एसिड का तुमने एनहाइड्राइड बना लिया, नाइट्रस एसिड का क्या मिला? N2O3। नाइट्रिक एसिड का क्या मिल गया? N2O5, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ऐसे अगर कोई तुमसे पूछे, किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड बनाना हो तुम ऐसे ही बना सकते। जैसे कोई पूछे H3PO2 का एनहाइड्राइड बताओ, या फिर H3PO2 का तो छोड़ दो अभी, इसका बताओ H3PO3, जो हमें पढ़ना है, H3PO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा? यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, तो हम अगर एक बार वाटर निकालेंगे तो क्या होगा? तब तो 2 ही हाइड्रोजन खत्म हो पाएगा, एक तो बच जाएगा, HPO2 बच जाएगा। तो फिर तो हम अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम क्या करें, अभी इस वाले फॉर्मूले को डबल कर लो, H2P2O4 हो जाएगा। अब वाटर निकालो, H2O क्या बच जाएगा? P2O3 मिल जाएगा। तो P2O3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनहाइड्राइड। किसका? वो हो जाएगा एनहाइड्राइड H3PO3 का। फिर से देख लेते हैं, एक बार तुमने वाटर निकाला तो क्या हो गया? HPO2। अभी भी यहाँ पे H है, अगर H बचा रहेगा तो क्या एनहाइड्राइड होगा? नहीं, एनहाइड्राइड में H नहीं होता, यही तो खास बात है, यहाँ पे H होना ही नहीं चाहिए। तो फिर हमने उसको फिर से डबल कर लिया, H2P2O4, फिर वाटर निकाल लिया, बन गया P2O3। तो P2O3 हो गया एनहाइड्राइड। किसका? P2O3 एनहाइड्राइड हो गया फॉस्फोरस एसिड का। इसी P2O3 को लोग बोल सकते हैं P4O6। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो होता है N2, लेकिन जब हम नाइट्रोजन के नीचे चले जाते हैं फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। आगे हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे नाइट्रोजन को N2, अभी तुमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे तो क्या मिला था हमें? N2O3 और N2O5। ऐसे फॉस्फोरस में मिला तो P2O3 है, ऐसे भी बोल सकते तुम, लेकिन अक्सर एग्जाम में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा P4O6। तो P4O6 क्या है? P2O3 ही है, बस इसको डबल कर दो। नाम क्या बोलेंगे इसको? H3PO3 क्या था? फॉस्फोरस एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोरस एनहाइड्राइड। ऐसे कोई हमसे पूछे, अच्छा फॉस्फोरस के एनहाइड्राइड को बोलते समय अक्सर तुम P4 के टर्म्स में बोलना, एग्जाम में हो सकता है वो तुम्हें P4 ना बोल करके P
टू में भी बोल दे चलेगा, पी टू में भी बोल सकते कि पी टू ओ थ्री तो फॉस्फरस एनहाइड्राइड। अच्छा इसका एनहाइड्राइड बता सकते तुम एच थ्री पी ओ फोर का, यहाँ से तुम वाटर निकालते हुए जाना होगा। अब देखो तीन हाइड्रोजन है तो तुम वाटर निकाल करके तो एक बार नहीं खत्म होगा, तो चाहो तो तुम इसको तुरंत डबल कर लेना तो हो जाएगा एच सिक्स, फिर तुम्हें तीन बार वाटर निकालना पड़ेगा तो हाइड्रोजन खत्म होगा। तो जो एच थ्री पी ओ फोर का एनहाइड्राइड होगा वो बताना क्या होगा, एच थ्री पी ओ फोर का एनहाइड्राइड, ठीक, इसको कमेंट करके तुम बता सकते एच थ्री पी ओ फोर। जैसे तुमने एच थ्री पी ओ थ्री का एनहाइड्राइड बनाया तो क्या बना, पी फोर ओ सिक्स फॉस्फोरस एनहाइड्राइड, ऐसे इसका एनहाइड्राइड बनेगा तो नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो जो इसका एनहाइड्राइड बनेगा वो हो जाएगा फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, ठीक। ऐसे ऐसे आगे हम बहुत सारे एसिड दे रहे हैं और उसका एनहाइड्राइड बनाते चलते हैं। जैसे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हम लोग देखें, एच सी एल ओ, एच सी एल ओ टू, एच सी एल ओ थ्री, एच सी एल ओ फोर, इन सबका ऑक्सो एसिड कोई पूछे तो सब में देखो एक एच है तो हमें पहले फॉर्मूला डबल कर लेना चाहिए, एच टू सी एल टू ओ टू, यहाँ पर एच टू सी एल टू ओ फोर, यहाँ पर एच टू सी एल टू ओ सिक्स, यहाँ पर एच टू सी एल टू ओ एट, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में आया था इसका एनहाइड्राइड। देखो यहाँ पे तुमने डबल कर दिया, वाटर निकाल दो एच टू ओ, एनहाइड्राइड आते रहते हैं, यहाँ से वाटर निकालोगे तो एच टू खत्म हो जाएगा, सी एल टू बचेगा, ओ एट है एक ऑक्सीजन कम करोगे तो ओ सेवन, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सी एल टू ओ सेवन। तो हमें एग्जाम में क्या बोल रहा था ना, हमें फॉर्मूला दे दिया था सी एल टू ओ सेवन, हमसे पूछ रहा था ये क्या है, ये किसका एनहाइड्राइड है, क्या ये परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, हमसे पूछ रहा था क्या जो सी एल टू ओ सेवन है ना, क्या वो परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो तुम क्या बोलते हैं, देख लो भाई सी एल टू ओ सेवन वो किस एसिड से बना है, एच सी एल ओ फोर, अगर हम उसको डबल करके वाटर निकाल दें तो बन जाएगा सी एल टू ओ सेवन। तो सी एल टू ओ सेवन ये नाम क्या बोलोगे इसका, ये पर क्लोरिक एसिड है, तो सी एल टू ओ सेवन का नाम क्या होगा, पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, कौन सी एल टू ओ सेवन, उसको बोलेंगे पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, क्यों, क्योंकि वो तो पर क्लोरिक एसिड से आया। ऐसे तुम क्लोरिक एसिड से बनाओ तो यहां से वाटर निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा सी एल टू ओ कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा फाइव, क्योंकि सिक्स में से एक ऑक्सीजन कम कर देना होगा। इसका नाम क्या बोल दे सकते तुम, इसका नाम क्या था, क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या बोलोगे, क्लोरस, सॉरी इसका नाम क्या बोलेंगे, क्लोरिक एनहाइड्राइड। अगर ये क्लोरिक एसिड है तो वाटर निकालने के बाद जो बना वो हो जाएगा क्लोरिक एनहाइड्राइड, क्लोरिक एनहाइड्राइड। ऐसे यहां पर भी तुम वाटर निकाल करके बना सकते हैं, क्या बन जाएगा Cl2O3 क्लोरस एनहाइड्राइड, यहाँ पे वाटर निकाल करके बना सकते क्या Cl2O। आगे देखना ये एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए, क्वेश्चन में हमें एनहाइड्राइड दिया होगा, हमें एसिड समझ करके क्वेश्चन करना होगा, तो पहले एनहाइड्राइड को अच्छे से पकड़ में लेकर आओ, नहीं तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा इनऑर्गेनिक में ना माथा खराब हो जाएगा फिर। तो HClO में से वाटर निकाला डबल करके तो क्या हो गया Cl2O, Cl2O को नाम क्या बोलोगे, हाइपोक्लोरस एनहाइड्राइड, हाइपोक्लोरस एनहाइड्राइड, हाइपोक्लोरस एनहाइड्राइड, क्यों हमें पता है क्यों, क्योंकि वो हाइपोक्लोरस एसिड से आया है। अच्छा ऐसे तुम एनहाइड्राइड बना लेना HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO4, इनके एनहाइड्राइड बनाना, ठीक, इसको कमेंट नहीं करना, इसके एनहाइड्राइड बना लेना। ऐसे उसके भी बना लेना HIO, HIO2, HIO3 और HIO4। कमेंट करना है तुम्हें किसका एनहाइड्राइड, H3PO4 का एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड बताना है। और जो मैं इधर लिख रहा हूँ उसके एनहाइड्राइड तुम बना करके अपने कॉपी में नोट करोगे, क्या करना है, वाटर निकालना है बस। ऐसे इसके एनहाइड्राइड बनाना क्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड, H2Cr2O7। ऐसे भी हो सकता है कुछ एसिड का एनहाइड्राइड सेम हो जाए, ऐसे इसका एनहाइड्राइड बनाना HMnO4, H2MnO4 और एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड बना लेना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसका तो अभी तुम बता सकते हैं, यहाँ से वाटर निकाल दो डायरेक्ट, क्या बन जाएगा CO2, H2H2 कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, O3 है एक ऑक्सीजन कम करोगे O2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा CO2। कोई पूछे CO2 क्या है, बचपन से तुम जानते हो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आज तुम्हें एक नया चीज़ भी पता चला कि जो CO2 है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये क्या है कार्बोनिक एसिड, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड। तो हो सकता है तुमसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन में फंसा दे, हमसे पूछ ले बताओ कार्बोनिक एनहाइड्राइड कौन है, चार ऑप्शन दे दे, कार्बोनिक एनहाइड्राइड का मतलब CO2, समझ में आया, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। अच्छा
तो ये तो सिंपल सिंपल ऑक्सोइसिड बना लोगे तुम, एक दो में अच्छा अच्छा ऑक्सोइसिड और बता, इनके तो एनहाइड्राइड बना लेंगे ना हम लोग, इनके एनहाइड्राइड बना लेंगे तो हम एक दो और एनहाइड्राइड हम बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास HNO2 है नाइट्रस एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, अगर हम इन दोनों एसिड को मिला लें, मतलब अभी हम लोग क्या करते थे, एक एसिड से वाटर निकालते थे, अगर हम लोग कभी एक एसिड से ना वाटर निकाल करके दो एसिड से वाटर निकालें, दो एसिड को मिला लें फिर वहां से वाटर निकालें, तो क्या होगा सोचो, अगर हम इन दोनों को नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को ऐड कर लें, चलो ऐड करो, क्या होगा H2N2O5, फिर यहां से वाटर निकालें तो क्या होगा, देखो N2O5 है, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा O4, N2O4 हो जाएगा। तो N2O4 अगर कभी हमें कोई दे दे तो N2O4, या इसी को तुम लोग ऐसे भी बोल सकते, देखो 2 अगर कॉमन ले लो तो, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा NO2, 2 टाइम्स ऑफ NO2, मतलब सिंपल फॉर्मूले के टर्म्स में तो हम लोग केवल NO2 बोल सकते हैं। तो अब ये भी तो एनहाइड्राइड ही है क्योंकि एसिड को तुमने मिलाया है, वहां से वाटर निकाला, लेकिन ये एक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं है, कौन, N2O4, इसलिए इसको बोल देते हैं N2O4 बोलो या NO2 बोलो, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलना होगा तो NO2 बोल दोगे, नहीं तो N2O4 भी बोल सकते। तो अगर हमसे कोई पूछे N2O4 क्या है या NO2 क्या है, तो NO2 क्या होगा, एनहाइड्राइड तो है लेकिन एक एसिड का नहीं, कितने एसिड का एनहाइड्राइड है, 2। तो हम लोग साफ साफ नोट कर लेते हैं, NO2 is a mixed anhydride of nitrous acid and nitric acid। बहुत ज़्यादा important है, और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी इसी पे ही तुम्हें क्वेश्चन देगा और तुम सब जानते हुए भी गलत कर दोगे, क्योंकि वो हमें स्टेटमेंट में क्या बोलता है जानते हो, हमसे बोलता है NO2 is a mixed oxide of HNO2 and HNO3, तो हमें लगता है सही है, NO2 is a mixed anhydride, पानी निकालने पे बना है, इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना, NO2 is a mixed anhydride of HNO2 and HNO3, mixed oxide नहीं, mixed anhydride, mixed oxide क्या होता है, आगे मिलेगा mixed oxide क्या होता है, अभी के लिए बस ये ध्यान देकर रखो कि जो NO2 है वो mixed anhydride है, दो एसिड को मिलाने के बाद अगर वाटर निकालो तो बनता है NO2, mixed anhydride of HNO2 and HNO3, mixed anhydride of HNO2 and HNO3, कौन, NO2, ठीक, तो ध्यान रखना इतना, anhydride से हम लोग इतना ही सीखेंगे, जो anhydride बोला है वो याद करना, और उनके anhydride बनाना भी जो मैंने बोला है, और H3PO4 का जो anhydride बोला है उसका anhydride बना करके कमेंट करना तुम, ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।